इंतजार जो लोग आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर कि जब चुनाव आता है तभी मंदिर की भाजपा बात करती है, ये बिल्कुल तथ्यहीन है। ये लोकसभा का चुनाव जो कांग्रेस ने 60 साल तक जो नहीं किया, वो हम आने वाले जब हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे तो हम 60 महीने का हिसाब जनता को देंगे। ये चुनाव परफॉर्मेंस पर होने वाला है। जो आज हमारी योजनाएं हैं, आज आप देश में देख रहे हैं, जो मैंने आपको कहा 12 रुपए के हिसाब से हमने 2 लाख का दुर्घटना बीमा किया, हमने 2 लाख का जीवन बीमा किया, आयुष्मान भारत हम लोग लेकर आए, हम लोग सौभाग्य योजना लेकर आए। सौभाग्य योजना में पूरे देश भर में 4 करोड़ घर हैं जहाँ अंधेरा है, उसमें से 1 करोड़ 18 लाख तो हमारे प्रदेश में है, वहाँ रोशनी पहुँचाने का काम कर रहे हैं हम। दूसरी तरफ जो किसानों की आय है उसको दुगना करने का हम लोग काम कर रहे हैं। जोड़ा MSP हमने अभी किसानों को देने का काम किया है, नीम कोटेड यूरिया लेकर आ रहे हैं, किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो ऐसा हमारा प्रयास है। तो हमारा मकसद जो है, जो गरीब कल्याण की योजना है वो नीचे तक चरितार्थ हो। अभी हमने, हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी जो हम जो जो हमारे किसान हैं उनका जो फसली ऋण था उसको माफ करने का काम किया। तो आज देख रहे हैं हर गांव तक हम लोग सड़क पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो काम पहले हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए, इसलिए हम लोग उन सब कामों को पूर्ण करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मंदिर की जहाँ तक बात है, मंदिर पूरी तरह से आस्था का विषय है और करोड़ों लोगों की आस्था है कि वहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बने। क्योंकि सब जानते हैं कि 500 साल पहले विदेशी आतताई आए, उन्होंने हमारे पवित्र स्थान को खंडित करने का कार्य किया। भगवान राम भारत के, मैं कहूँगा कि प्रेरणा स्रोत हैं, हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, उनको कहीं ना कहीं इधर उधर बांटने की कोशिश ना की जाए। और वो वास्तविकता है कि भगवान राम का वो जन्म स्थान है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो पूरी तरह से फैसला आया, वहाँ सब सिद्ध हो गया, भूगर्भीय सर्वे जो हुए उनके बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। अब मेरा ये मानना है कि जनता ये चाहती है। अब हम गांव में जाते हैं, इन तमाम योजनाओं के बावजूद भी गांव में पूछा जाता है कि मंदिर तो बनना चाहिए। तो ये जनभावना है लोगों की, इसको चुनाव के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की नदी है और सपा बसपा RLD ये भ्रष्टाचार के छोटे छोटे नाले हैं जो उस नदी में जाकर मिलते हैं। इस देश से संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को समाप्त करना प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प है, हमारी राज्य सरकारों का संकल्प है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसी से परेशान होकर ये जिन तमाम दलों का आप जिक्र कर रहे हैं ये छटपटाहट में है। और कांग्रेस पार्टी को तो लगता है कि हमारी दादी, राहुल गांधी को लगता है कि मेरी दादी प्रधानमंत्री रही, फिर मेरे पिताजी प्रधानमंत्री रहे तो मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी जो लगातार सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलने का काम करते हैं। ये वास्तविकता है कि 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में राहुल गांधी जमानत पर है और कभी भी जेल जा सकता है। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में, ये तथ्य है, राहुल गांधी 5,000 करोड़ के फ्रॉड में जमानत पर है, 50,000 के मुचलके पर, ये तथ्य है ऑन रिकॉर्ड, ये तथ्य है। राहुल गांधी 50,000 करोड़ के फ्रॉड में 50,000 के मुचलके पर जमानत पर चल रहा है, ये वास्तविकता है। तो ये लोग जेल के दरवाजे पर हैं, कभी भी जेल जा सकते हैं। इसीलिए इस देश के ईमानदार प्रधानमंत्री पर तथ्यहीन आरोप लगाकर, अगर राहुल गांधी के पास कोई तथ्य है हमारी केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर, तो जनता को तथ्य दे। प्रधानमंत्री जी को लेकर, हमारी केंद्र की सरकार को लेकर, तो जनता के बीच में लेकर जाए, अदालत में लेकर जाए। लेकिन इस तरह से झूठ बोलना और देश में अराजकता पैदा करना, ये बहुत शर्मनाक है। प्रधानमंत्री सबका होता है, प्रधानमंत्री देश के हैं। दुनिया के अंदर जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने भारत का डंका बजाने का काम किया है, ये उससे ये लोग जो नैरो सोच के जो लोग हैं वो बौखलाहट में हैं। अच्छा, बाकी सर, और इसीलिए जी अखिलेश यादव हो गए, मैंने कहा ना आपसे, मैंने बहुत विस्तार से कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का गंदा नाला है और सपा बसपा RLD ये भ्रष्टाचार के छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे नाले हैं जो उसमें जाकर मिलते हैं। इनकी जननी कांग्रेस ही है।